अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि बरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होगे। अच्छा, जो आज का हमारा न्यू टॉपिक है, दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी को कंजर्व कैसे किया जा सकता है, महफूज कैसे किया जा सकता है। इसमें ये चीज़ है कि अबाउट 100 ईयर्स अगो, तक बहुत 100 सालों पहले, अ फ्यू साइंटिस्ट परफॉर्म सब एक्सपेरिमेंट्स। दे कंक्लूडेड, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए साइंटिस्ट ने, कुछ एक्सपेरिमेंट्स एक्सेट्रा किए, और उन्होंने उसमें से नतीजा जो निकाला वो इम्पॉर्टेंट है। और उन्होंने नतीजा उसमें से ये निकाला कि एनर्जी कैन नॉट बी मेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, बट एनर्जी कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। दिस फैक्ट इज़ नोन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब उन्होंने कहा कि एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है ना ही उसको ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन उसकी हालत एक से दूसरी में तब्दील की जा सकती है। और इसको क्या कह दिया गया, एक कानून कह दिया गया, और वो कानून क्या था, दैट वॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, के एनर्जी कंजर्व रहती है, ना तो वो बनाई जाती है ना ही वो ख़त्म हो जाती है, वो सिर्फ अपनी हालत को चेंज करती है। अगर हम इसकी एग्जांपल लें, आप बल्ब जलाते हो, अब उसमें क्या है, आपके पास, हमने देखा है जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो है वो ट्रैवल करते हैं, बल्ब तक जाते हैं। तो उससे क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो थे वो इलेक्ट्रिसिटी में चेंज हुए। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बल्ब ऑन किया तो क्या हुआ, लाइट अप हो गया ना सारा कुछ, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज हो गई, लाइट एनर्जी में। एंड अगर बहुत देर तक बल्ब जलता रहे तो वो हीट अप हो जाता है, तो डैट मीन्स कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज किसके अंदर हो गई, लाइट एनर्जी में और हीट एनर्जी में। जब हम बल्ब बंद करेंगे तो वापस से वो लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और स्विच ऑफ की वजह से इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो हैं वो वहीं पे स्टॉप कर जाएंगे। दैट मीन्स कि एनर्जी बनी नहीं, ख़त्म नहीं हुई, बस वो एक जगह थी और उसने अपनी स्टेट को चेंज कर लिया। उन्होंने ये चीज़ हमें एक पेंडुलम की एग्जांपल से समझाई है। उन्होंने कहा है कि आप एक पेंडुलम को कंसीडर करो। पेंडुलम, अगर आपने कभी पुरानी घड़ियों को देखा हो तो एक स्टिक सी होती है, उसके साथ एक बॉल सा जो है वो लगा होता है, तो एक हैंगिंग बॉल है जैसे। उन्होंने यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में इसमें देखो, ठीक है। अब उसने क्या बताया है, व्हेन द बॉल स्टॉप्स फॉर अ मोमेंट एट द हाईएस्ट पॉइंट इन इट्स स्विंग, इट हैज़ नो काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी अगर हम थोड़ा सा रिवाइज करें, काइनेटिक एनर्जी क्या थी, ड्यू टू मोशन, मूवमेंट की वजह से। पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, स्टोर्ड ड्यू टू पोजिशन, पोजिशन की वजह से। यानी अगर एक चीज़ एक सर्टेन हाइट पे पड़ी है तो उसके अंदर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। जैसी वो मूवमेंट करने लगी है, मोशन में आई है, तो वो काइनेटिक एनर्जी हो गई है। तो उन्होंने यहाँ पे कहा है कि जब बॉल एक मोमेंट को स्टॉप करती है हाईएस्ट पॉइंट पे जाके, तो वहाँ काइनेटिक एनर्जी नहीं है, सारी क्या एनर्जी है, क्योंकि स्टॉप कर दिया पोजिशन पर है, तो पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे ही वो लोएस्ट पॉइंट पे वापस आती है तो उसकी स्पीड तेज़ हो जाती है। जब आप एक चीज़ को ऊपर से यूँ करके छोड़ते हो तो वो स्पीड ही नीचे आती है। दैट मीन्स कि अब वहाँ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी ख़त्म हो गई है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो है वो उसकी ज़्यादा हो गई है। तो हेयर द पेंडुलम हैज़ नो पोटेंशियल एनर्जी, सारी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। द पेंडुलम कीप स्विंगिंग, तो जैसे ही वो स्विंग करता रहेगा, एक्चुअली में क्या हो रहा होगा कि उसकी पोजीशन चेंज हो रही होगी, उसकी एनर्जी की फॉर्म चेंज हो रही होगी। ये एक एग्जांपल हम झूलों के साथ ले लेते हैं, जब हम लोग झूला लेते हैं दैट इज़ अ स्विंग, उसमें भी तो यही है ना, हम ऊपर जब उसको खींच के लेके जाते हैं दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी, जैसे ही छोड़ते हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है, फिर झूला एक मिनट को जाके रुकता है तो उधर काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो और सारी पोटेंशियल एनर्जी, देन वो वापस को आ जाता है। अगर हम इस डायग्राम में थोड़ा सा देखें तो देखो, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट्स हैं ये दोनों, ये वाला उसका लोएस्ट पॉइंट है। जैसे ही बॉल दिए, देखो यहाँ से यहाँ पे मूव करी है, अब इस टाइम पे मूव करते करते यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, और इस पॉइंट पर जाके जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास मैक्सिमम हो जाएगी,
और काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। फिर जब वो वापस आएगा तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करना शुरू हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी कम होना शुरू हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पहुँचते पहुँचते मैक्सिमम हो जाएगी। तो इस तरह से आपने इस चीज़ को याद करना है। When after a long time the pendulum stops its swinging, what happened to its energy? वो कह रहा है कि क्या एनर्जी लॉस हो जाती है। अब उससे क्या एक वक्त आता है, जैसे अगर आप झूले को ही अपने जहन में रखो, जो लोग झूला झूलते हैं या जिन्होंने कभी देखे है झूले को, एक वक्त तक वो आप उसको अपने पाँव से या किसी कोई पीछे से आपको पुश करता रहता है, झूला स्पीड में चलता रहता है। एक वक्त आता है कि वो आहिस्ता 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 रुक जाता है। तो उसने कहा है कि ऐसे क्यों होता है, क्या उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है? तो द आंसर इज़ नो। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी जो है वो ना बन सकती है ना ख़त्म हो सकती है, वो सिर्फ अपनी फॉर्म चेंज करती है। तो मे बी वो किसी हीट एनर्जी में चेंज हो जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उसकी एनर्जी चेंजेस हो जाती हैं। इन केस ऑफ पेंडुलम इन ईच स्विंग एवरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इट्स एनर्जी चेंजेस टू हीट एनर्जी विच इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ द स्ट्रिंग एंड द बॉल, हीट डिसिपेटेड इन द एटमोसफियर। यही चीज़ है कि उसमें क्या आ जाता है कि एक वक्त आके जब वो रुक जाता है, उसकी वजह क्या होती है कि वो उसकी जैसे जैसे वो मूव कर रहा होता है उसमें से हीट भी निकल रही होती है। तो हीट की वजह से जो है वो एनर्जी जो है वो मतलब सारी एनर्जी जो पोटेंशियल और काइनेटिक थी वो हीट में चेंज हो जाती है। और एक वक्त आता है कि जब एनर्जी टोटली कन्वर्ट हो जाती है तो वो चीज़ अल्टीमेटली ऑटोमेटिकली जो है वो स्टॉप कर जाती है। यही चीज़ हमारे पास होता है, ये जो हम लोग ने बताया हुआ है फिगर में, व्हेन वी ट्विस्ट द प्रोपेलर ऑफ दिस प्लेन इट स्ट्रेचेस द रबर बैंड, द रबर बैंड स्टोर्स पोटेंशियल एनर्जी इन इट, हाउ विल दिस एनर्जी बी ट्रांसफर्ड? तो ये किसमें, ये मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। डोंट बी अफ्रेड व्हेन यू रिमूव द लिड ऑफ द बॉक्स गिवन टू बाय योर फ्रेंड, यू आर टेरिफाइड व्हेन द जैक इन द बॉक्स स्प्रिंग्स अप, इन फैक्ट जैक इन द बॉक्स हैज़ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट। वो ये जब उसको बंद करके रखा हो तो उसने पोटेंशियल एनर्जी थी, जैसे ही खोला उसको स्पेस मिली तो वो एनर्जी उसकी चेंज हो गई।